क्या है? देखिए ये एक आपका होम टैब है, होम टैब में बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मैंने आपको कहा था कि आगे चलकर हमारे लेक्चर्स मज़ीद आसान होते जाएंगे, क्योंकि हमने जो चीज़ें MS वर्ड में पढ़ी वो हमारे आगे चलकर सारी चीज़ें वही हैं, चंद चीज़ें चेंज होती जाएंगी जिनको हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो होम टैब में बाकी सारी चीज़ें, फाइल में भी वही चीज़ें हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट का फंक्शन है, फ़ॉन्ट का पोर्शन है, उसमें भी वही है, पैराग्राफ भी वही है। बाकी सिर्फ ये है कि चीज़ें चंद आ जाती हैं कि उसमें जो है हमारे पास क्लिपबोर्ड का फंक्शन भी यही है, सारे यहाँ पर आ जाती हैं स्लाइड्स, क्योंकि उसमें पेजेस होते थे, यहाँ पर आ जाती हैं स्लाइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है न्यू स्लाइड का। ठीक है, ये चीज़ जाहिर करने की वजह ये थी कि मैं आपको सिर्फ दिखा सकूं कि स्लाइड्स के लेआउट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लेआउट्स हैं स्लाइड के, इनमें से कोई भी स्लाइड आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड फंक्शन अलाउज यू टू ऐड न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन में अगर नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो देखें ये न्यू स्लाइड का आपके पास फंक्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेक्शन। अब सेक्शन हम कब बनाते हैं? अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन में 30, 40, 50, 100 जो है वो स्लाइड्स बना ली। अब मिसाल के तौर पर मैं एक कोर्स बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस कोर्स में पहला मेरा सेक्शन था जी, मैंने IT की स्लाइड्स बनाई, मैंने MS वर्ड की स्लाइड्स बनाई, मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई, तो मैं उनको सेक्शन वाइज मैनेज कर सकता हूँ, उनको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कि जी ये MS वर्ड की सेक्शन की फ़ाइल, जैसे मैं सेक्शन ओपन करूँगा तो MS वर्ड की फ़ाइल आ जाएगी, सारी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, स्लाइड्स आ जाएंगी। और अगर मैं IT की जो है वो सेक्शन ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ, होती उसी प्रेजेंटेशन में होगी। सिर्फ सेक्शन वाइज आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि ये इस सेक्शन के, ताकि आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। अगर एक ही साथ चल रही होती हैं तो पता नहीं चलेगा जी ये स्लाइड किस चीज़ की है, IT के सेक्शन की है, वर्ड की है या पावर पॉइंट की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये एक मैंने आपको बताया कि जी स्लाइड लेआउट, इस फंक्शन के ज़रिए आप मुख्तलिफ लेआउट के स्लाइड्स मुख्तलिफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली जब हम पावर पॉइंट ऑन करते हैं तो हमारे पास जो स्लाइड आती है उसका नाम क्या है? टाइटल स्लाइड। कौन सी स्लाइड आती है? टाइटल स्लाइड। ठीक है, फिर अगर हम उसे खुद चेंज करना चाहें टाइटल एंड कंटेंट, या सेक्शन हेडर में, या टू कंटेंट्स में, या कंपैरिजन में, या डिफरेंट जो है वो टाइटल ओनली है, अगर हमें बिल्कुल खाली स्लाइड चाहिए कि उसमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ना हो, कोई टाइटल बॉक्स ना हो, तो हम ब्लैंक स्लाइड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्लाइड बनाई, हमने एक प्रेजेंटेशन के लिए एक स्लाइड हमने डिज़ाइन की। मैं चाहता हूँ कि यार उसी की तरह की जो एनिमेशन थी या उसी तरह की जो स्लाइड है मैं दूसरी भी बनाऊँ, मतलब मैं अपना कंटेंट तो चेंज करूँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैंने वही रखनी है। अब या तो ये है कि अगर मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ तो दोबारा से मुझे वही मेहनत करनी पड़ेगी जो मैंने पहली स्लाइड में की है। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ उसकी डुप्लीकेट स्लाइड ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, उसकी डुप्लीकेट स्लाइड ले लेंगे। तो डुप्लीकेट स्लाइड होने से करने से होता क्या है, आपने एक चीज़ सीखी थी डेटा को कॉपी करना। ठीक है, एक तो होती है टेक्स्ट की कॉपी, एक था हमारा फॉर्मेट की कॉपी, कि वही फॉर्मेट हमने कॉपी किया फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू और हमने जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो डुप्लीकेट स्लाइड है वो हमारे स्लाइड की कॉपी बना देता है कि जी सेम स्लाइड जो आपने बनाई है उसकी डुप्लीकेट स्लाइड आपको मिल जाएगी, सेम चीज़ें, फिर अगर आप उसमें से कोई चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सर इसको क्लोज करें, अभी बंद कर दें। हाँ, स्टॉप कर दें, बिल्कुल।